आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रहे। जस्टिस पाटिल जी, आपको बधाई देने के लिए मैं आया हूं। हम देश भर में दलित मुस्लिम आदिवासियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और हमें देश में दो ही गुट चाहिए, मोदी विरोधी गुट। हम सब एक मिलके मोदी को इस आने वाले इलेक्शन में हराएंगे, इसलिए हम सब यहाँ आए। हम मोदी के खिलाफ क्यों हैं? मोदी न न्याय विरुद्ध को जिंदा रखता है, न समाज कार्यकर्ताओं को जिंदा रखता है। मोदी ने हमारे रोटी कपड़ा मकान की बात करता है और मोदी खुद खूनी है, वो हमें क्या न्याय देगा? हमारे गुरु जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि मोदी के खिलाफ मर्डर का ऑफेंस दाखिल करना चाहिए। जस्टिस खरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिलता है तो मोदी को मैं फांसी दूंगा। उस मोदी को हम प्राइम मिनिस्टर करके गद्दी पर बिठाए हैं, ये मोदी हमारा कभी भला नहीं कर सकता। हमारे देश में इतनी कुदरती संपत्ति है, अभी इतना समय नहीं है मुझे आपको बताने के लिए, लेकिन सब कुदरती संपत्ति मोदी थ्रो अवे प्राइस में, कौड़ी मोल भाव में अपने अपने उद्योगपतियों को दे रहा है। उसका एक ही मकसद है, उसका मकसद है कि हमारी प्राइम मिनिस्टरशिप चलती रहे, देश प्रदेश के उद्योगपति देश लूटे। ये अंदर की बात ऐसी है कि दोनों देश के और प्रदेश के और देश के उद्योगपति ने, पूंजीपतियों ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर करके मुखड़ा खड़ा किया है और वो देश को लूट रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, शरद जी का हमेशा आइडियोलॉजी यही है कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद हमारे दो शत्रु हैं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम सब अरेतर बहुजन, क्योंकि बहुजन की व्याख्या भी आज बहुत बदल गई है। तो मैं अभी एक शॉर्टकट लेता हूँ, आर्य और अरेतर। तो अरेतर बन जो लोग हैं वो सब अपने इकट्ठा आना चाहिए। मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी है, सब जाति धर्म के गरीब है, जिनको रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा देने के लिए सरकार के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे पूंजीपतियों के किस्से में जा रहे हैं, पूंजीपतियों के तिजोरी में जा रहे हैं। वो देश को, देश का भला करने के लिए या आप लोगों को जिंदा रखने के लिए मोदी सत्ता पर नहीं आया है। मोदी जो सत्ता पर आया है, ये चंद पूंजीवादियों के लिए सत्ता पर आया है और उन्होंने लाया है। इसलिए मैं आप सबको लोकतंत्र जनता पार्टी के माध्यम से विनती करता हूँ, लोकतंत्र किसको कहते हैं, जिस देश में सब नागरिक सुखी रहे, जिनका जीवन सुखी हो, जिनको रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा कम से कम कीमत पर मिले, मुफ्त में मिले, इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में हम उस सेकुलरिज्म को छोड़ नहीं सकते, हम समाजवाद को छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ ये दोन लोकतंत्र में सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और पूंजीवाद ये ठीक नहीं सकता। लेकिन हमारे शरद जी जैसे नेता हमें देश को मिले नहीं आज तक। मैं शरद जी को बधाई देता हूँ, आप सबको विनती करता हूँ कि आज से आप घर घर जाएंगे और मोदी हमारा नंबर एक का दुश्मन है, ये सब हम हमारे लोगों को समझाएंगे। आज से प्रतिज्ञा करो और काम करो, ये इतने ही लोग देश को बदल सकते हैं यदि शरद जी जैसा नेता हमें मिलता है। तो मैं चंद शब्दों में से आपको विनती करता हूँ कि हम सब कंधे को कंधा मिलके शरद जी के साथ लड़ेंगे। शरद जी को हम वादा करते हैं कि जो भी देश के काना कोपरे में हमारा काम चल रहा है वो सब आपके नेतृत्व में चलेगा। इतना कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ।